हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स पीजीटी कॉमर्स की हम तैयारी कर रहे हैं और उसी में मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो एग्ज़ाम होती है सेंट्रल में होती है हर एक स्टेट लेवल पर जो होती है उसमें कॉमर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों को यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप उसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें अभी तक मेरे आप लोगों के चार वीडियो बनाए हैं आज अगला वीडियो है मेरा इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रबंध के व्यवसाय के लेखांकन के जो सिद्धांत हैं अवधारणा है मान्यता हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं पहली इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेखांकन अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे अभी जो हम देख रहे हैं वो है लेखांकन के सिद्धांत उसकी अवधारणाएँ उसकी मान्यताएँ अकाउंटिंग इन ही सिद्धांतों अवधारणाओं मान्यताओं के आधार पर लिखा जाता है और ये वह आधारभूत सत्य होते हैं जो कि अकाउंट्स को मान्यता प्रदान करते हैं अकाउंट्स की जो जो हम नियम है उसके जो सिद्धांत है वो इन्हीं मान्यताओं अवधारणाओं पर आधारित होते हैं और ये मान्यताएं अवधारणाएं अनुभवों के आधार पर बनाए गए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम कर रहे हैं ठीक है हम सभी ने एवंथ क्लास में ये सिद्धांत अवधारणाएं मान्यताएं पढ़ी है और उसी से रिलेटेड हैं आप लोगों को जब आप सुनेंगे आप जब देखेंगे तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये हमने देखा है सबसे बेस्ट हमारे लिए मटेरियल है बेसिक जो मटेरियल होता है वो हमारा एलेवेंथ ट्वेल्थ की क्लास की जो बुक्स है वो आप उसको अच्छा डिटेल में पढ़िए आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे उसमें देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लाभों को प्रत्याशित न करो तथा सभी संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करो के सिद्धांत का उदय हुआ है लाभों को प्रत्याशित न करो और संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करो संभाव्य हानियाँ मतलब फ्यूचर में यदि कोई हानि होने वाली है तो उसके लिए अभी से ही प्रावधान करो और लाभों को ध्यान न दो भविष्य में होने वाला जो लाभ है उसको प्रत्याशित न करो मतलब उसको प्रदर्शित न करो और हानियों के लिए प्रावधान करो पहले से ही मतलब जो फ्यूचर में यदि कोई सी संभावित हानि है उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा उसको भी आप उसके लिए भी आपको आयोजन करना पड़ेगा तो ये कौन से सिद्धांत है तो हमारे पास चार है संगतता की प्रथा से एक रूपता की अवधारणा से महत्वपूर्ण की अवधारणा से और रूढ़िवादिता की अवधारणा से तो इसके पहले भी दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आ चुका है रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है इस रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत ही ये कहा जाता है कि लाभों को प्रत्याशित न करो तथा संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करो तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या आएगा डी आंसर आएगा रूढ़ीवादिता की, की अवधारणा से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा स्थाई संपत्तियां स्थिति विवरण में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती है स्थिति विवरण हम सभी परिचित स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट या चिट्ठा और उसमें संपत्तियां और दायित्व दिखाए जाते हैं तो ये स्थाई संपत्तियों से रिलेटेड सेंटेंस दिया गया है कि स्थाई संपत्तियां चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती है ऐसा लेखांकन के किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है लेखांकन के किस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि स्थाई संपत्तियां चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती है तो हमारे पास पहला सिद्धांत है चालू व्यवसाय का सिद्धांत दूसरा है रूढ़िवादिता का सिद्धांत तीसरा है स्थिर मुद्रा मूल्य सिद्धांत और चौथा है वसूली सिद्धांत तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा कि जो चालू व्यवसाय का जो सिद्धांत है चालू व्यवसाय की जो मान्यता है वो बताती है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा और व्यापारी इसी के आधार पर व्यापार में स्थायी संपत्तियों को खरीदता है क्योंकि उसने आज स्थायी संपत्ति खरीदी है तो वो कल उसको बेचेगा नहीं वो वो दीर्घकाल के लिए चलने वाली इसका मतलब ही होता है कि उसका व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा उसका व्यवसाय निरंतर चालू रहेगा तो यहाँ पर ये कौन सा सिद्धांत है चालू व्यवसाय का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार ही स्थिति विवरण में स्थायी संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दिखाया जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम अगला क्वेश्चन है लेखांकन की तुलना परंपरा का आशय क्या है लेखांकन की हम सिद्धांत अवधारणाएँ मान्यताएँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है कि लेखांकन की तुलना परंपरा ये तुलना परंपरा जो है वो मैचिंग जो अकाउंटिंग कन्वेंसन ऑफ मैचिंग इसका मतलब क्या है तो तुलना परंपरा इसका मतलब क्या होता है तुलना परंपरा से मतलब होता है कि तुलना करना तो तुलना किसकी करना देखिए पहला दिया है समय अवधि के लाभ की बिक्री और आय से तुलना दूसरा है समय अवधि के लाभ की विनियोग से तुलना तीसरा है समय अवधि के व्ययों की अन्य समय अवधि के व्ययों की तुलना अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि हमने बैलेंस शीट लाभ हानि खाता व्यापार खाता जब बनाया तो उसमें हम लाभ हानि खाते में व्यापार खाते में हम कौन से आय और व्यय को हम शामिल करते हैं एक निश्चित अवधि के अंतर्गत के जितने भी आय और व्यय है उनको हम शामिल करते हैं मतलब एक समय अवधि के व्ययों की अन्य समय अवधि के व्ययों से तुलना तो नहीं कर सकते ठीक है फिर समय अवधि के लाभ की विनियोग से तुलना ये भी नहीं आ रहा है और समय अवधि के लाभ की बिक्री आय से तुलना ये सी संभव नहीं है तुलना किस में होगी एक समय अवधि के व्ययों की उसी अवधि के आगम से तुलना होगी एक समय अवधि के व्ययों की उसी समय अवधि के आगम से तुलना होगी मतलब हमारा जो आंसर क्या है डी आंसर सही है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुद्रा मापन की अवधारणा आप सभी को मालूम होगी मुद्रा मापन की अवधारणा मतलब व्यवसाय में उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं गुणों का मूल्यांकन नहीं होता जिस जिन व्यवहारों का लेखा जिन व्यवहारों का मूल्यांकन मुद्रा में हो सकता है रुपये में हो सकता है उन्हीं व्यवहारों को हम अकाउंट्स के अंतर्गत लिखते हैं तो मुद्रा मापन के अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित को अपलिखित किया जाएगा पहला दिया है व्यापार में गुण नियंत्रण गुण नियंत्रण ये अकाउंट्स के अंतर्गत इसका कहीं से कहीं तक अभी तक हमने लेखा नहीं किया है गुणों का लेखा नहीं होता विक्रय प्रतिनिधि को दे कमीशन हाँ विक्रय प्रतिनिधि को हम कमीशन देते हैं लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में हम लिखते हैं कमीशन दिया तो ये आंसर है लेकिन और देख लेते हैं बजटीय नियंत्रण प्रणाली को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त लाभ तो ये भी हमारा इससे रिलेटेड नहीं है उपरोक्त सभी तो ये भी नहीं आएगा मतलब हमारा जो आंसर कौन सा आ रहा है हमें बी एकदम राइट लग रहा है क्योंकि ये कमीशन दिया जाता है और कमीशन का लेखा इसमें होता है चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है रूढ़िवादिता की प्रथा का अभिप्राय है रूढ़ीवादिता प्रथा हम सारी प्रथा परंपराएं सिद्धांत अवधारणाएं इसी को पढ़ रहे हैं तो रूढ़िवादिता की जो प्रथा है इसका आशय क्या है तो सबसे फर्स्ट आज की क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था संभावित भावी हानियों की व्यवस्था अवश्य की जाए संभावित भावी हानियों की व्यवस्था अवश्य किया जाए मतलब ये तो राइट है दूसरा क्या दिया है जब तक उपार्जित न हो जाए आगम को मान्यता न दी जाए उपार्जित न हो जाए मतलब आप जब तक उसे कमा न लो आप उसे आगम नहीं मान सकते उपार्जित होना मतलब आपने जब तक कमा नहीं लिया उसे अर्जित नहीं कर लिया तब तक आप उसे आगम नहीं मान सकते तो ये भी हमारा क्या है राइट है इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया सी ए और बी वाला ठीक है आंसर हमारा आ गया सी आंसर सही है ए और बी कि जब तक आप कमा नहीं लेंगे उपार्जित नहीं होगी तब तक आप उसको आगम में शामिल नहीं करेंगे इसीलिए तो हानि खाते में हम जो उपार्जित किराया है उपार्जित कमीशन है इसको हम शामिल करते क्योंकि वो उपार्जित हो गया है लेकिन जब तक वो उपार्जित नहीं होगा आप उसको आगम नहीं मान सकते नेक्स्ट है लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत संपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता संपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता अभी हमने पढ़ा रूढ़िवादिता की जो परंपरा है उसमें स्टॉक जो है उसका लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो कम मूल्य है उसी पर उसका मूल्यांकन होता है इसका मतलब संपत्तियों और आय का अति मूल्यांकन कभी भी नहीं होता है उसका अधिक व्यय का सम आ, और आयोजन किया जाता है लेकिन संपत्तियों और आय का अति मूल्यांकन कभी नहीं होता है जो कम से कम मूल्य होता है वही उसमें दिखाया जाता है तो ये कौन सी परिपाटी है उसमें तो कौन सी परिपाटी आ सकती है समरूपता है अर्थपूर्णता है रूढ़िवादिता है या निरंतरता है तो हमारा आंसर कौन सा है ये रूढ़िवादिता की जो परंपरा है ये बोलती है कि कभी भी परिसंपत्ति और आय को अति मूल्य पर नहीं होना चाहिए उसका मूल्यांकन चलिए नेक्स्ट है रहती का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो पर करने की प्रथा उदाहरण है अभी मैंने बताया कौन सी उदाहरण परंपरा है रूढ़ीवादिता की प्रथा है रहती है मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर होना चाहिए रूढ़ीवादिता की प्रथा का कहना है सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि बिक्री की, की टकराव होता है रोकड़ प्राप्त हो जाती है उत्पादन पूर्ण हो जाता है और माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है आय अर्जित कब मानेंगे आप कि हाँ आपने आय कमा ली है बिक्री एग्रीमेंट ऑफ सेल इज इफेक्टेड आपने ठहराव हो गया है आपका बिक्री का ठहराव हो गया है मतलब दो व्यापारियों के बीच में माल बेचने के लिए उनके बीच में एक अनुबंध हो गया है तो अनुबंध मात्र से हम उसको विक्रय नहीं मानते उसको हम आय नहीं मानेंगे दूसरा है रोकड़ प्राप्त हो जाती है कैश इज रिसीव तो आय अर्जित होना अर्जित होना मतलब कमाना प्राप्त होना नहीं तो पहला भी नहीं आएगा दूसरा भी नहीं आएगा तीसरा कौन सा है उत्पादन पूर्ण हो जाता है उत्पादन पूर्ण हो जाने से आपको आय अर्जित हो गई ये कैसे मान लोगे आपका जो माल है वो पड़ा रह सकता है कई दिनों तक उसको हम आय नहीं बोलेंगे तो हमारा तीसरा आंसर भी नहीं आया और चौथा है माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है हाँ आपने अनुबंध कर लिया कि माल बेचना है इतना माल में बेच रहा हूँ तुमको और आपने उसको माल की सुपुर्दगी भी दे दी माल दे दिया हाँ उस समय आपकी आय क्या हो गई आपकी आय अर्जित हो गई आपने माल बेच दिया और सुपुर्दगी कर दी तब आपकी आय क्या हो गई अर्जित हो गई तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा डी आएगा भाई तो यहाँ तो आपको कैश प्राप्त हो गया तो अर्जित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, है ना तो कौन सा आएगा माल की सुपुर्दगी कर दी मतलब आपकी आय उत्पन्न हो गई अर्जित हो गई आपकी फिर है सिद्धांत लेखाकार को लाभों को प्रत्याशित नहीं करना चाहिए किंतु सभी हानियों के लिए प्रावधान अवश्य करना चाहिए ये अभी आया था हमारा कौन सा रूढ़िवादिता का सिद्धांत जी बार बार आ रहा है और इम्पोर्टेंट वाला है ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत चलिए अगला दिया है लेखांकन का वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कहाँ पर लागू नहीं होता है दीर्घकालीन ठेका कार्य में यह लागू नहीं होता है वसूली का सिद्धांत नेक्स्ट है लाभ हानि के सही निर्धारण में सहायक लेखांकन अवधारणाएं हैं कौन सी लाभ हानि के सही निर्धारण में सहायक लेखांकन अवधारणाएं कौन सी यदि हमें लाभ हानि का सही सही निर्धारण करना है तो सही सही निर्धारण करने के लिए हमारे पास में सहायक लेखांकन की अवधारणाएं कौन कौन सी है वसूली तथा मिलान चालू संस्था तथा व्यावसायिक इकाई लागत तथा समतुल्यता और मौद्रिक मापन तथा लागत तो यहाँ पर इसके लिए कौन सी अवधारणा है तो वसूली तथा मिलान की जो अवधारणा है ये है लाभ हानि के सही निर्धारण के लिए वसूली और मिलान मिलान में आय और व्यय का मिलान किया जाएगा और वसूली में संपत्ति और दायित्वों की वसूली की जाती है तो ये दोनों का रिलेशन किससे है लाभ और हानि के सही निर्धारण से रिलेटेड होता है ठीक है चलिए तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा ए ए हमारा सही आंसर है नेक्स्ट <clears throat> देखते हैं वसूली अवधारणा लागू होती है जब भाई आप वसूली कब कर सकते हो सीधा सा प्रश्न इसका यह है कि आप वसूली कब कर सकते हो धनराशि प्राप्त हो जाती है देनदारों से धनराशि प्राप्त हो जाती है तो जब आपको धनराशि प्राप्त ही होगी तो इसको वसूली थोड़ी ना बोलेंगे माल ग्राहक को सुपुर्द पर दिया जाता है आदेश प्राप्त हो जाता है आदेश प्राप्त होना ये कोई विक्रय नहीं है आप वसूली नहीं कर सकते केवल सामने वाले से आदेश प्राप्त हो गया और वसूली करने पहुंच जाएंगे और उपयुक्त तो में से कोई नहीं तो यह भी नहीं आएगा इसका मतलब आपने माल सुपुर्द कर दिया तब आप वसूली कर सकते हैं तो सेकंड नंबर का आंसर है फिर तुलना पत्र से संबंधित अवधारणाएं होती है तुलना पत्र से संबंधित अवधारणाएं कौन सी होती है चिट्ठे से रिलेटेड अवधारणाएं कौन कौन सी होती है तो चिट्ठे से संबंधित अवधारणाएं कौन सी होगी चिट्ठे में क्या लिखा जाता है संपत्तियां और दायित्व तो लिखे जाते हैं और संपत्ति और दायित्व तो का संबंध किससे होता है वसूली से होता है रियलाइजेशन से, से होता है इसी प्रकार से कॉस्ट अवधारणाएं भी इसी के अंतर्गत आती है लागत अवधारणा यहाँ पर हमारा आंसर ए और बी दोनों आएगा यहां पर आगे नहीं दिया गया लेकिन ए और बी दोनों आंसर आएगा वसूली अवधारणा भी और लागत अवधारणा भी ये दोनों किससे रिलेटेड है चिट्ठे से संबंधित है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे है चालू संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर होता है जो चालू संपत्तियों का वैल्यूएशन हम किस आधार पर करते हैं जैसे स्टॉक एक चालू संपत्ति है तो बाजार मूल्य और लागत मूल्य ये दोनों में जो कम हो जो दोनों में कम हो ये कई बार हम पढ़ चुके हैं कि लागत मूल्य बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उसी पर चालू संपत्तियों का वैल्यूएशन होता है पूंजी बराबर होती है ये तो हमारा वो सूत्र आ गया कि कैपिटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स ये सूत्र है ये हमारा समीकरण है लेखांकन का फार्मूला है अब इस फॉर्मूले के आधार पर हमें पूंजी यदि ज्ञात करना होगा हमें यदि पूंजी ज्ञात करना है इसका मतलब संपत्ति में से हमें क्या करना पड़ेगा लाइबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा संपत्तियों में से दायित्व तो माइनस करेंगे मतलब संपत्ति ऋण कुल्यारिया इसको माइनस करेंगे, तो हमें पूंजी प्राप्त हो जाएगी तो हमारा आंसर कौन सा आ गया सी आंसर आ गया संभाव्य दायित्व तो दिखाया जाता है संभाव्य दायित्व तो दिखाया जाता है पूर्ण प्रकटीकरण की विचारधारा के कारण रूढ़िवादी अवधारणा के अंतर्गत महत्वपूर्णता के अवधारणा के अंतर्गत या द्विपक्षीय अवधारणा के कारण भाई संभाव्य दायित्व किस कारण दिखाया जाता है पूर्ण प्रकटीकरण के विचारधारा के कारण सभी दायित्वों को दिखाना जरूरी है तो ये पूर्ण प्रकटीकरण विचारधारा के अंतर्गत दिखाना चाहिए निम्न में से कौन लेखांकन का सिद्धांत नहीं है लेखांकन का सिद्धांत कौन सा नहीं है दोहरे पक्ष का सिद्धांत ये सिद्धांत है लागत का सिद्धांत ये सिद्धांत है महत्वपूर्ण का सिद्धांत ये सिद्धांत है तो फिर ये सत्यता का सिद्धांत ये वाला हमारा इसमें नहीं आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी ये वाला सिद्धांत नहीं है लेखांकन का चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा को निषिद्ध करने का कारण क्या है तो रूढ़िवादिता की परंपरा प्रकटीकरण की परिपाटी महत्वपूर्णता की परिपाटी और मुद्रा मापन की अवधारणा चार में से क्या आंसर आएगा तो खिड़की परंपरा को या विंडो ड्रेसिंग खिड़की सज्जा को निषिद्ध मतलब बंद कर दिया गया प्रतिबंधित कर दिया गया किसके अंतर्गत रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत इसका आंसर क्या आएगा रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत नेक्स्ट देखते हैं चिट्ठे से संबंधित लेखांकन अवधारणा कौन सी ये प्रश्न पहले आ चुका है कि चिट्ठे से रिलेटेड अवधारणाएं कौन कौन सी है अभी मैंने बताया था आपको वसूली और लागत की अवधारणा वसूली और लागत की अवधारणा ठीक है पहला और दूसरा ये वाला आएगा आपका पहला और दूसरा ये दो आना चाहिए आपकी वसूली अवधारणा और लागत की अवधारणा पहला और दूसरा चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाएगा मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा पुस्तकों में किया जाएगा पहले आ चुका है कि व्यवसाय में गुण का नियंत्रण आप कर नहीं सकते फिर सामूहिक कार्य करने की भावना इसका लेखा नहीं कर सकते भावनाओं का गुणों का उपरोक्त तो सभी नहीं आएगा क्योंकि ये दो क्रॉस हो गए तो फिर कौन सा आएगा विक्रेता को कमीशन दे विक्रेता को आप कमीशन देंगे तो इसका लेखा इसमें किया जाएगा ठीक है तो आज के जितने भी आज ट्वेंटी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ ट्वेंटी क्वेश्चन ये पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कुछ बातें क्या होती है कि ये जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें क्लियर होता जाएगा इसलिए आप मेरे वीडियो देखिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ठीक है ओके थैंक यू बाय